आकर कई पदों पर रहा। अब समय नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा ध्यान से सुनो, मैं प्रश्न पूछूंगा इसी बात पर। सभी बच्चे शांत हो जाओ, मैं जो बोलूंगा उसी पर प्रश्न पूछूंगा। देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे, क्या रहे? देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उपराष्ट्रपति दस वर्ष तक रहे। कब तक रहे? दस वर्ष तक रहे, 1952 से लेकर 1962 तक रहे, और 1962 में ये देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। कौन से राष्ट्रपति बने? दूसरे नंबर के। कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे है, विश्वविद्यालय में दूसरे पदों पर भी रहे, और सबसे बड़ी बात ये कि विदेशों में भी पढ़ाया, लेकिन इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी उन्हें शिक्षकों से बहुत प्राथमिकता दी। डॉक्टर सुनो, सब ध्यान से सुनो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे किसी ये पीछे बच्चे थोड़ा ध्यान दें, हाँ ये शांत हो जाओ, सुनो मैं पूछूंगा फिर आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि किसी देश के भाग्य को विधानसभाओं में, फैक्ट्रियों में है, लोकसभाओं में और न्यायालयों में नहीं बनाया जा सकता। किसी देश के भाग्य को केवल विद्यालयों में बनाया जा सकता है, और विद्यालयों में तो भाग्य बनाने वाले कौन है? आपके शिक्षक। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनवाया, बहुत बड़े शिक्षक हुए, इसलिए अपने जन्मदिन को किस रूप में मनवाया? शिक्षक दिवस के रूप में मनवाया। आज उन्हीं का जन्मदिन हम मना रहे हैं, ठीक है, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उन्हीं के श्रद्धा स्वरूप उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए हमने अपने कुछ बच्चों को प्रॉक्सी टीचर बनाया, जिन्होंने अध्यापक की भूमिकाएं अदा की, और कुछ बच्चों जो बच्चे हैं उनको प्रिंसिपल भी बनाया, वाइस प्रिंसिपल भी बनाया। हमारे बच्चे आगे जाकर के किस तरह से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है, ये सब देखा आपने। बहुत से बच्चे स्वयं से आए तो उन्होंने अपने टीचर्स को गिफ्ट दी, पेन लाए, कुछ दूसरी चीजें लाए हैं, ट्रॉफी दी, दूसरी लंबे वाली चॉकलेट भी दी, और भी चॉकलेट लाए, छोटी छोटी ट्रॉफी भी दी। ये बच्चों का अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम है। लेकिन एक बात आज जो हम सबसे भूल हुई, ध्यान से सुनो, वो भूल ये थी कि जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ आप सब गली में आके इधर से उधर भागने लगे, जिससे आपका उत्साह गलती में बदल गया। इसमें बदल गया, हम उत्साह में भाग रहे थे कि आज हमारे यहाँ शिक्षक दिवस है, लेकिन ऐसे जब उत्साह में भागेंगे, दौड़ से भागेंगे, तो लोग सोचेंगे कि हमने अनुशासनहीनता की है और हम अपने विद्यालय में अनुशासन नहीं बना पाए, ठीक है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखो, जो भी हमारे टीचर्स हैं वो भी ध्यान रखें कि बच्चे इस तरह से निभागे। बच्चों का उत्साह मैं जानता हूँ, लेकिन इस उत्साह को थोड़े क्रम में रखे, एक ऑर्डर में रखे, जिससे बच्चों में ये संस्कार और डेवलप हो कि किसी भी कार्यक्रम के समय वो हल्ला न करते हुए हमें उसे सही ढंग से मनाना है, ठीक है। तो आज ये कार्यक्रम है, और आज ही हमारे जो बच्चे बने हैं प्रॉक्सी टीचर्स, वो अपने स्टाफ मेंबर्स का, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, उनका सम्मान करेंगे। आप देखिए और तालियां बजाइए। धन्यवाद।